जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हार्टिकल्चरल में फ्रूट क्राफ्ट्स के बारे में, जिसमें हम फुल एक्सप्लेनेशंस करेंगे वनली बनाना के जीनोमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, जहां से कंपटीशन में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। काफ़ी स्टूडेंट बनाना की जीनोमिक स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम क्रिएटिंग करते हैं कि बनाना में ट्रिप्लॉयड नेचर्स का बनाना किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है और उसका जीनोमिक स्ट्रक्चर यानी जीनोम को याद करने में उनको काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। तो हम लॉजिक और ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे बनाना के जीनोमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ जीनोमिक स्ट्रक्चर्स इन बनाना में ट्रिप्लॉयड नेचर्स या डिप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड किस प्रकार से उसका इवोल्यूशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, इसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं बनाना, ठीक है। बनाना के जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। बनाना का जो बॉटनिकल नेम होता है, बॉटनिकल नेम, ठीक है, मूसा पैराडिसिया का, ठीक है, मूसा पैराडिसिया का, ठीक है। और इसका जो फैमिली होता है, फैमिली जो होता है मुजीसी फैमिली का होता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो होता है 2N इक्वल आपका 22 भी होता है, 22, 33 या 44, ठीक है। डिप्लॉयड टेट्राप्लॉयड और डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड, ठीक है। और जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है इसका, टाइप ऑफ फ्रूट जो होता है वह बेरी होता है, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन होता है, ठीक है, ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में मैंने बता दिया, बट इस वीडियो में हम ओनली बनाना के जीनोमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो आपको इतना मेंशन जरूर होना चाहिए। और उसका प्रोपागेशन जो होता है, कमर्शियल प्रोपागेशन जो होता है स्वाड सकर द्वारा होता है, ठीक है। सकर्स का जो वेट होता है 1 से 1.5 kg यानी 1 से 1.5 kg होना चाहिए, ठीक है। तो यह था जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम जीनोमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो बनाना को एक वैज्ञानिक थे, साइमन एंड सेफर्ड वैज्ञानिक का नाम था, एंड सेफर्ड, ठीक है, साइमन एंड सेफर्ड नामक दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1995 में बनाना के जो जीनस थे मुजीसी, उनको दो भागों में बांटा था। एक था मूसा इकुमिनाटा और एक था मूसा बाल्बिसियाना, ठीक है। यानी कि साइमन एंड सेफर्ड नामक साइंटिस्ट ने 1995 में जो बनाना का जीनस मूसा था उसको दो भागों में बांटा था, मूसा इकुमिनाटा और मूसा बाल्बिसियाना, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग उसके जीनोमिक स्ट्रक्चर्स को शो किया जाता है, यानी इकुमिनाटा जो होगा वह ए से बिलोंग करेगा और बाल्बिसियाना बी से, ठीक है। तो जीनोमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, तो ए यदि है, ठीक है, ए हम जानेंगे कि कौन कौन से बनाना की ऐसी वैरायटी है जिनका जीनोम जो होता है ए होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पिसान गली, ठीक है, एक होता है माटी, ठीक है, उसके अतिरिक्त एक होता है कदली। तो आपको पता हो जाना चाहिए पिसान गली, यदि कोई पूछेगा कि पिसान गली का जीनोम कितना होता है तो ए होता है, माटी का भी ए होता है, कदली, यानी कि तीन वैरायटी हैं जिसका जीनोमिक स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉयड इकुमिनाटा या डिप्लॉयड नेचर का है, दो है, ए से बिलोंग करता है, यानी डिप्लॉयड इकुमिनाटा ग्रुप में ये सब आएंगे, ठीक है। और एक होता है ए बी जीनोम, ठीक है, यानी कि एक जीनोम इकुमिनाटा का होगा और एक बाल्बिसियाना का होगा। तो इसके अंतर्गत आता है, एक होता है लेडी फिंगर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लेडी फिंगर जो होता है वह
ए बी जीनोम का होता है, ठीक है। लेडी फिंगर दे देगा, उसका जीनोम दे देगा ए बी विकल्प में, कंपटीशन सिलेबस में ए बी दे देगा, बी ए दे देगा, ए ए बी। तो आपको पता होना चाहिए लेडी फिंगर जो होता है वह ए बी का होता है, ठीक है। और एक होता है ए ए ए, तीनों क्या होगा ट्रिप्लॉयड यानी कि थ्री होंगे ना, तीनों इक्विमिनाटा ग्रुप के होंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो एक आता है ड्वार्फ केवेंडिश, ड्वार्फ केवेंडिश, जायंट केवेंडिश, जायंट केवेंडिश, ठीक है। एक आता है रोबस्टा, ठीक है। और एक होता है ग्रॉस मिचेल, ग्रॉस मिचेल, ठीक है। तो ए ए जीनोम यानी कि तीनों ए ए, ट्रिप्लॉयड नेचर, ट्रिप्लॉयड एक्यूमिनेटा, ड्वार्फ केवेंडिश, जायंट केवेंडिश, रोबस्टा और ग्रॉस मिचेल। जितना अभी मैं एग्जांपल शो कर रहा हूँ उतना तो आपको भली भांति पता होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा पता रहे या ना रहे, ठीक है। मान लीजिए आपका एक आ जाए ए ए ए बी, ठीक है। ए ए बी के अंतर्गत यानी कि दो एक्यूमिनाटा ग्रुप का और एक बल्बिसियाना, ठीक है। यानी कि एक्यूमिनाटा का होमोजाइगस कंडीशन में दो जीनोम रहेगा और एक रहेगा बल्बिसियाना का। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वैरायटी जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पुअम, एक होता है रस थाली, ठीक है, पुअम रस थाली, और एक होता है नेंड्रान, ठीक है। और इसके अंतर्गत लिख लीजिएगा, और एक होता है नेपुअम, ठीक है, नेपुअम, एक होता है नाथोपुअम, नाथोपुअम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जितने मैं बता रहा हूँ उतना तो भली भांति आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली कंपटीशन लेवल में यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, पूछेगा कि रोबस्टा का जीनोमिक स्ट्रक्चर बता दीजिए, नेंड्रम का जीनोमिक स्ट्रक्चर यानी जीनोम क्या होता है। तो आपको तुरंत देख कर पता हो जाना चाहिए कि नेंड्रम क्या होता है, ए ए बी होता है। और कोई पूछे कि बताइए रोबस्टा का क्या होता है, तो डायरेक्ट बोलेंगे ए ए ए होता है जीनोम, ठीक है। और यदि आपको मिल जाए ए बी बी, तो इसके अंतर्गत सबसे मोस्ट है मोन्थन, ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जाता है कि मोन्थन का जीनोम क्या होता है, तो ए बी बी होता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त चारों यदि इक्विमिलाटा ग्रुप के हो, ए ए ए ए, तो क्या होगा, इसके अंतर्गत एग्जांपल होता है बॉर्डलेस अल्टा फोर्ट, अल्टा फोर्ट, यह जो हुआ है वह ग्रास मिचेल यानी ग्रास मिचेल और ईशान गलीन, ईशान गलीन के बीच क्रॉस करा के बना है। देखिए कैसे बनता है, ग्रास मिचेल मैंने बताया कि ए ए ए होगा, ठीक है, और ईशान गली क्या होगा, ए ए होगा जीनोम, होगा कि नहीं। यहाँ पर मैंने बताया था तीनों ए ए ग्रास मिचेल, तो इसमें से जब करेंगे ट्रिप्लॉयड है यानी कि तीन ठो जीनोम बनेगा, ए ए और ए बनेगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त पिसान गले में कितना बनेगा, दो बनेगा, यानी कि जब एफ वन जनरेशन में ले जाएंगे तो दो है होमोजाइगस कंडीशन, तो एक ही आएगा, एक आएगा। जब इन चारों से करेंगे तो कितना जीनोम बनेगा, एक इसके साथ बनेगा, एक दो, यानी कि इसमें से तीन आएगा, ठीक है, यानी कि तीन इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा, तो यह क्या होगा, चार हो जाएगा, ठीक है। तो यही हुआ था ये, ठीक। तो आप बॉर्डलेस अल्टा फोर्ट याद कर लीजिएगा। और यदि एक पूछे, यहाँ से पूछा जाता है ए ए बी बी, ठीक है, तो इसका होता है कमाल गोल, कमाल गोल, ठीक है। और एक पूछा जाता है ए ए ए बी, ठीक है, ए ए ए बी, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, गोल्ड फिंगर, गोल्ड फिंगर, ठीक है, गोल्ड फिंगर। कोई पूछेगा गोल्ड फिंगर का जीनोमिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है,
तो ए ए ए बी होता है, यानी कि तीन इकुमिनाटा ग्रुप का होगा, एक बल्बेसियाना, ठीक है। और इसी को गोल्ड फिंगर को बोला जाता है जी एच आई ए वन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं जितना बताया हूँ जीनोमिक स्ट्रक्चर्स, इतना आपको भली भांति पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इल्यूमिनाटा यानी कि इसका इवोल्यूशन कैसे होता है, जीनोम का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ जीनोमिक स्ट्रक्चर्स इन बनाना, यानी कि ट्रिप्लॉयड नेचर या डिप्लॉयड नेचर का कैसे हो जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में बात करेंगे, एक होता है यानी कि जो मुजेसी फैमिली थी बनाना की, ठीक है, तो उसमें दो ग्रुपों में बांटा गया था, एक मूसा, एक होता है इंसेट में। फिर मूसा को फिर क्लासिफाइड किया गया था ई मूसा में, ठीक। ई मूसा को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया था, एक किया गया था मूसा इकुमिनाटा, और एक किया गया था मूसा बल्बेसियाना, सियाना, ठीक है। और इनसेट में था इनसेट वेंट्रिकोसा, ठीक है, देखिए यही था, ठीक है। फिर उसके अतिरिक्त यदि पूछा जाता है कि बनाना में ट्रिप्लॉयड नेचर यानी कि सीड का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, जब इम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है ट्रिप्लॉयड नेचर का हो जाता है, ट्रिप्लॉयड नेचर यानी कि तीन जीनोम प्रेजेंट होते हैं वह ट्रिप्लॉयड नेचर का हो जाता है, तो उनमें जीन का मतलब बीज का सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसी दोनों से करेंगे, जैसे मान लीजिए मूसा इकुमिनाटा और मूसा बल्बेसियाना से, तो जो मूसा बल्बेसियाना था उसका मैंने बताया, मान लीजिए मूसा बल्बेसियाना के अंतर्गत हम मान ले रहे हैं एक ट्रिप्लॉयड इकुमिनाटा ले लिए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हम क्रोमोसोम ले ले रहे हैं 2n बराबर, ऐसे ना ले, ए ए ले ले रहे हैं, इकुमिनाटा का ए ए ले ले रहे हैं 20, और बल्बेसियाना का ले रहे हैं बी बी बराबर 20, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं, हम बता रहे हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए मूसा इकुमिनाटा ए ए 22 और बल्बेसियाना बी बी 22 ही है, ठीक है। ट्रिप्लॉयड इकुमिनाटा ले लिए, ट्रिप्लॉयड का मतलब तीन होता है, तो ए ए ए यानी तीन है, तो यहाँ 33 लिखा जाएगा, ठीक है, 33। और मान लीजिए एक हम लिख दिया टेट्राप्लॉयड इकुमिनाटा, टेट्राप्लॉयड यानी चार हो जाएगा, एक चार, यानी कि जब चार तो ए रहेगा तो दोनों चार चार यानी 44 रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो मूसा इकुमिना बल्बेसियाना था डिप्लॉयड नेचर का था, या क्या है डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड बल्बेसियाना लिए थे, ठीक है। तो इसका और टेट्राप्लॉयड इकुमिनाटा के बीच क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, इसके बीच क्या करा देंगे, क्रॉस, ठीक है। देखिए क्रॉस कैसे कराएंगे, इसके बीच क्रॉस कराएंगे, तो देखिए यहाँ पर चार है और यहाँ पर क्या है, दो है, तो यहाँ से कितना आएगा होमोजाइगस कंडीशन में, तो एक जीनोम इसमें से आएगा ए और एक इसमें से आएगा ए, ठीक है। और यह भी होमोजाइगस कंडीशन में, तो एक इसमें से आएगा यानी बी, ठीक है। तो देख रहे हैं ए ए बी यानी कि ट्रिप्लॉयड नेचर के हो गए कि नहीं, ट्रिप्लॉयड, ठीक है। एक यह हो गया, और यदि मान लीजिए एक यह कंडीशन बन सकता है, एक कंडीशन ट्रिप्लॉयड नेचर में यह भी बन सकता है कि ए बी बी हो,
ठीक है, दो कंडीशन ही बन सकता है ट्रिप्लॉयड नेचर में बनाना भी, दो ही कंडीशन बन सकते हैं, या तो हो सकता है कि दो इक्विनाटा ग्रुप के एक बाल्बिसियाना ग्रुप की हो, या तो हो सकता है दो बाल्बिसियाना ग्रुप और एक इक्विनाटा ग्रुप का हो। तो इक्विनाटा ग्रुप का मैंने बताया कि ट्रिप्लॉयड इक्विनाटा और डिप्लॉयड बाल्बिसियाना के बीच क्रॉस कराएंगे तब बनेगा, और यदि हम एक डिप्लॉयड इक्विनाटा उसी को उल्टा कर दें, डिप्लॉयड इक्विनाटा ले लेते हैं, डिप्लॉयड इक्विनाटा यानी कि डिप्लॉयड इक्विनाटा का मतलब ए ए ले लेते हैं, ठीक है, दो डी से डिप्लॉयड इक्विनाटा का मतलब ए ए, ठीक है, डिप्लॉयड इक्विनाटा और टेट्राप्लॉयड टेट्रा बल्बिसियाना, बी से बल्बिसियाना, ठीक है, बल्बिसियाना यानी कि बी 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 बी, इसके बीच यदि हम क्रॉस करा दें तो क्या बनेगा, होमोजेगस कंडीशन, एक इसमें से आएगा, ठीक, एक इसमें से आएगा और यह ट्रिपलॉयड नेचर है यानी कि एक इसमें से आएगा एक इसमें से आएगा, तो यानी कि बी बी, ठीक है। तो यह फुल डिटेल में मैंने बताया था कि बनाना का जीनोमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, देख लीजिए ट्रिपलॉयड नेचर के बनाना का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट नहीं पता कर पाते, डायरेक्टली रट लेते हैं, तो रटने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जीनोम का फॉर्मेशन होता है वैसे ही किया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हर एक टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, इसीलिए जीनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग को यदि आप अच्छे से समझे हैं तो उससे रिलेटेड कहीं भी, इससे रिलेटेड यदि कोई भी टर्म आए तो आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जीनेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल है, जीनोम से रिलेटेड कि कब जीनोम का फॉर्मेशन यानी गैमेट का फॉर्मेशन करते समय कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो जीनोम बनाने का नियम मैंने जीनेटिक्स में भी एक वीडियो डालूंगा ताकि आप लोगों को जीनोम यानी कि पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, बस जितना आपको आवश्यकता थी मैंने आपको बताया। तो यह था जीनोमिक स्ट्रक्चर इन बनाना, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जीनोमिक स्ट्रक्चर इन बनाना, या तो पूछेगा इवोल्यूशन ऑफ जीनोमिक स्ट्रक्चर इन बनाना, यानी कि बनाना में जीनोमिक स्ट्रक्चर्स का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, तो आपको मैंने जितना बताया आपको इतना मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर दो नंबर के क्वेश्चन या वाइबा में डायरेक्टली पूछा जाता है कि पूछ देंगे कि मोन्थन का जीनोमिक स्ट्रक्चर बन रहा है, जीनोम क्या होता है, नेंड्रन का क्या होता है, ड्वार्फ क्यूवेंडिस का क्या होता है, रोबस्टा का क्या होता है, पुवन का क्या होता है, जेंट क्यूवेंडिस का क्या होता है, गोल्ड फिंगर का क्या होता है, तो आप आसानी से याद कर लीजिए और ये कैसे बढ़ रहा है उसको आसानी से सीख लीजिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।